नमस्कार, स्वागत है आपका द नेशनल टीवी में। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। आम चुनाव 2019 के 7 चरणों का सफर 19 मई को पूरा होगा। अब तक 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 चरणों पर लगभग 242 सीटों पर चुनाव होने बाकी है। आपको बता दें कि मतदान के तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के दौरान एक शख्स की मौत हो चुकी है। इन सब के बीच ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी चुनाव से पहले तो कभी बंगाल नहीं आए, लेकिन अब चुनावों में उन्हें वोटों की जरूरत है। हम उन्हें बंगाल का रसगुल्ला देंगे, हम उन्हें यहाँ की जमीन पर मिठाई भी देंगे और उसमें कंकड़ पत्थर भी होगा ताकि उनके दांत टूट जाए। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान डराने और धमकाने को कहा था। इस पर बीजेपी का कहना है कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और निर्वाचन आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। इसी चुनावी घमासान के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला आखिर किसने लिया? इसका जवाब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने शुक्रवार को दिया। सैम ने कहा कि वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला प्रियंका जी का ही है, उनके पास अन्य जिम्मेदारियां थी। उन्होंने सोचा कि किसी एक सीट पर अपना ध्यान केंद्रित करना अच्छा है, उन्हें जो काम दिया गया है उस पर ध्यान दिया जाए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कहा कि वाराणसी के लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं क्योंकि यह देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। वही गृह मंत्री और लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को एक जनसभा के दौरान कहा, हम दंगे की चोट पर कहते हैं कि हम अनुच्छेद 370 और 35 ए की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर जाने वाले गृह मंत्री है और उन्होंने बातचीत के दौरान कश्मीर की समस्या का हल निकालने का प्रयास भी किया। और अब आपको बता देते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान हलफनामे के मुताबिक पिछले 5 साल में उनकी चल और अचल संपत्ति 52% बढ़कर 2,51,00,000 हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।